लिए हानिकारक है। कौन? धीरज सर। हेलो सर। हाँ हेलो धीरज जी सर। ले आया सामान? हाँ जी सर। वो मसाले कौन से लाया है? वही सर जो आपने मंगाए थे, तारा मसाले, शुद्ध मसाले। बिल्कुल, सेहत से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर। पैसे कितने हुए? 1800। ओके, तो बाइक से आया है? जी सर। हेलमेट कहाँ है? सर आपके होते हुए हेलमेट की क्या जरूरत है? बेटा मैं तुझे चालान से बचा सकता हूं, दुर्घटना से नहीं। एक मिनट रुक। ये ले मेरा हेलमेट लेके जा, अपना खरीदना और मेरा वापस कर देना। ये तेरा पेमेंट भी हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुड लक। हेलो। हाँ बस अभी पहुंचता हूँ। हाँ बस ऑन द वे ही हूँ, 5-7 मिनट में पहुंच जाऊंगा। साइड में लगाओ, साइड में लगाओ गाड़ी। अरे इसको क्या हो गया? क्या बात हो गई? सिग्नल तोड़कर आ रहे हो, लाइसेंस दिखाओ। लाइसेंस? सिग्नल तोड़ा? ओहो, वो फोन पर बात कर रहा था ना, तो इसलिए सिग्नल दिखा नहीं। अच्छा, यानी गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर भी बात कर रहे थे और सीट बेल्ट भी नहीं लगा रखी है। 3-3 गलतियां एक साथ, चालान तो भुगतना ही पड़ेगा। अरे मैं जरा जल्दी में हूँ, लाइसेंस वाइसेंस फिर कभी देखना, पीछे हटो। जल्दी से क्या मतलब है? गलती अभी करी है तो लाइसेंस अभी दिखाना पड़ेगा। और क्या तुम कोई मंत्री हो जो तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूं? अरे मंत्री नहीं है तो क्या हुआ, मंत्री के आदमी तो हैं हम। अच्छा, चाहे आप किसी मंत्री संतरी के आदमी हो, रूल तोड़ा है तो चालान तो भुगतना ही पड़ेगा। वर्दी का रोब दिखा रहे हो, ऐसे मानोगे नहीं। अभी रुको। हेलो। हाँ मंत्री जी। अरे देखना कोई महेंद्र सिंह बावेजा गाड़ी रोक कर खड़ा है। बात कराइए इससे। हाँ लीजिए, बात करिए।
हमारा नाम लेने से भी नहीं छोड़ रहा है इसको, चलान काटेगा। तुमको यहाँ रहना या नहीं? नहीं, इन्होंने तीन तीन रूल्स तोड़े हैं। सिग्नल ब्रेक किया है और सीट बेल्ट भी नहीं लगा रखी है। अरे तो तुम हमको सिखाओगे क्या रूल? ये जितने भी नियम हैं ये सरकार यानी आप लोग ही तो बनाते हैं, और अगर आप लोग ही इसका पालन नहीं करवाएंगे तो हम आम जनता से क्या उम्मीद रख सकते हैं? अगर तुमने इसको अभी के अभी नहीं छोड़ा तो तुमको ऐसी जगह भेज दूंगा, याद रखोगे तुम। आई समझ में? जैसा आप कहें। जाओ। एक और बनाया लास्ट पे। अरे यार तेरे को अभी घर जाना है और तेरे को चढ़ गई है। अरे नहीं यार, ये अपना रोज का काम है, ऐसा कुछ नहीं है तू। अरे नहीं मेरे भाई, मैं रोज पीता है, बनाओ एक पैक और। ओके यार, बस वन पैक है कोई, मैं बनाता हूँ तेरा। ले यार तू एक पैक ले बस, इसके बाद तेरे को घर जाने का है। अरे यार आज तो पुलिस वाले ने भी बहुत दिमाग खराब किया। अरे क्या बात हो भाई? क्या यार, रास्ते में गाड़ी रोक के खड़ा हो गया, जब मैं कहीं काम जा रहा था बोला गाड़ी का लाइसेंस दिखाओ, अब हम लोग लाइसेंस दिखाएंगे क्या? धमकाना था उसको पुलिस वाले को यार। चल यार अब तू ठीक ठाक से अपने घर जा। बाय, गुड डे। बेटा जरा पापा को फोन लगाना और पूछना कितनी देर में आ रहे हैं। ओके मम्मा। हेलो। हेलो पापा। मम्मी पूछ रही है कितनी देर में आ रहे हो आप। हेलो मेरे स्टार, आप मम्मी को बोलो डिनर रेडी रख के, मैं रास्ते में ही हूँ, अभी 20 मिनट में पहुँच जाऊंगा। पापा मेरी रिमोट वाली कार लेकर आ रहे हो ना? सॉरी बेटा। अबे अंधा है क्या, मरने के लिए मेरी गाड़ी मिली है तुझे, बेवड़ा कहीं का। भैया, हाँ भैया, भैया एम्बुलेंस। Thank you.
की बहुत कोशिश की, लेकिन एक्सीडेंट में बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह, और हाँ अंदरूनी चोटें भी बहुत ज्यादा थी जिसकी वजह से हम उन्हें बचा नहीं पाए। आई एम सॉरी। आप मेरे साथ हैं। बेटा जरा पापा को फोन लगाना और पूछना कितनी देर में आ रहे हैं। ओके मम्मा। हेलो पापा, मम्मी पूछ रही है कितनी देर में आ रहे हो आप। हेलो मेरे स्टार, आप मम्मी को बोलो डिनर रेडी रख के, मैं रास्ते में ही हूँ, अभी 20 मिनट में पहुंच जाऊंगा। जल्दी तो है लेकिन मजबूरी तो नहीं, कोई भी काम जिंदगी से जरूरी तो नहीं, वक्त पे घर लौट आया करो, वक्त पे घर लौट आया करो, कोई इंतजार करता होगा। कानून से बच जाओ, दुर्घटना से भी बच जाओ, ये जरूरी तो नहीं। घर दहलीज तुम्हारा रोज इंतजार करती होगी, जब लौट कर नहीं आते अपनों पे क्या गुजरती होगी, कभी खामोश बैठ कर ये महसूस करना रे समय, पीछे रह जाना कोई कमजोर तो नहीं। मजबूरी तो नहीं, कोई भी काम जिंदगी से जरूरी तो नहीं, क्या है भाई? चलो चलो आ जाओ। चलो अरे साहब जाने दीजिए मुझे, आप जानते नहीं है कि हम कौन है, खड़े खड़े यू ही वर्दी उतर जाएगी यू 2 मिनट में। अच्छा जी, कौन है आप? हम मंत्री जी के बेटे हैं। हम बेटा चाहे आप किसी के बेटे हो, आपने रूल तोड़ा है तो चालान तो भरना ही पड़ेगा। चालान? लगता है साहब आप ऐसे नहीं मानोगे। एक मिनट अभी करता हूँ आपको सही। बड़े बाप की औलाद। हेलो जी, प्रणाम पिताजी। अरे मैं अपने दोस्तों के साथ कोर्ट रोड की तरफ पार्टी करने जा रहा था, रास्ते में मेरी गाड़ी रोक ली, एक इंस्पेक्टर है, एक महेंद्र सिंह बाजवा। हाँ मैंने बताया है ना कि मैं आपका बेटा हूँ, फिर भी नहीं मान रहे। बात कराइए। करिए इसको सीधा। हेलो जय हिंद जनाब। जय हिंद। अरे आपने ये मेरे बेटे का गाड़ी रोका क्यों? क्या किया उसने? आपके बेटे ने रूल तोड़ा है, फुल स्पीड गाड़ी में मोबाइल पर बात कर रहा था और साथ ही सीट बेल्ट भी नहीं लगाई हुई थी, तो चालान तो काटना ही पड़ेगा इसका। लेकिन फिर भी अगर आप कहते हैं तो मैं इसे माफ कर सकता हूँ। क्या बात सर, हम
बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक्सीडेंट में बहुत ज़्यादा खून बह जाने की वजह से, और हाँ, अंदरूनी चोटें भी बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से हम उन्हें बचा नहीं पाए। आई एम सॉरी। अरे छोड़ना नहीं है, उसने रूल्स को तोड़ा है। जो भी हो, रूल्स सबके लिए बराबर होता है। आप उसका चालान काटिए। पापा मैं, जो भी नियमानुसार है वो अपनी कार्रवाई कीजिए आप, चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। वेल ट्राई जेंटलमैन। हवलदार, चालान काटो साहब का।